आज ये जानेंगे कि रोलर बियरिंग डिफेक्ट्स कितने तरह के होते हैं, और ये जो बियरिंग है ये एक्सल जो बोगी का जो एक्सल होता है उसके ऊपर लगती है। ये एक्सल, ये रोलर बियरिंग है। इसमें डिफेक्ट्स आप देख सकते हैं कि पहला जो डिफेक्ट्स है ये रोलर पिटेड है, जिसे आप फोकस करके देखेंगे। ये देखिए, ये रोलर पिटेड डिफेक्ट है। ये सेकेंड डिफेक्ट देखिए, रोलर डैमेज, जो रोलर इस तरह से डैमेज हो चुका है अपना। और देखिए तीसरा है रोलर क्रैक, जिसमें आप साफ देख सकते हैं कि इस रोलर में क्रैक आ गई है। और तीसरा आप देख सकते हैं इनर रेस क्रैक, ये जो इनर रेस जो है उसमें क्रैक आ चुका है, जो आपको साफ नहीं दिख रहा होगा लेकिन इसमें इनर रेस जो है क्रैक आ चुका है इसमें। और ये आप देखेंगे कि ये पांचवा डिफेक्ट है जो हॉट एक्सल, जो इनर रेस जो होती है एक्सल अपना जिसपे व्हील्स होते हैं वो माउंट होते हैं, उसमें गर्म होने की वजह से ये जो रोलर बियरिंग रोलर जो हैं वो ढीले हो जाते हैं और निकल जाते हैं। ये वाला डिफेक्ट जो होता है ये बहुत ज़्यादा, अगर यूज़ करते हैं अपन इस बियरिंग को बहुत टाइम तक यूज़ करते हैं तो ये एक्सेल हॉट होने के कारण ये डिफेक्ट देखा जा सकता है। और ये डिफेक्ट है सिक्स आउटर रेस पिटेड, जो इनर रेस और आउटर रेस जो होती है उनमें जो आउटर रेस पिट बन चुका है। ये देखिए आप देख पाएंगे, अब देख पाएंगे इसको, ये पिट बन चुका है आउटर रेस में। ये डिफेक्ट जब कोई स्टोन या कुछ भी अनवांटेड चीज़ जो है बियरिंग में फंस जाती है तो उस टाइम ये फिट देखने को मिलता है अपन। और ये सातवां डिफेक्ट जो एक्स्ट्रा क्लियरेंस, जो रोलर्स हैं इनर रेस और आउटर रेस के बीच में इनमें क्लियरेंस है, मतलब गैप है, इसकी वजह से ये डिफेक्ट भी हमें ज़्यादा बियरिंग यूज़ करने के वक्त मिलता है। तो मतलब ज़्यादा यूज़ करेंगे तो ये घिस जाएंगे रोलर्स, इसके कारण ये क्लियरेंस अपन उसमें मिलता है। ये डिफेक्ट्स कहलाएंगे इसकी। थैंक यू। और ये जो बियरिंग्स है ये जो बोगी होती है उसके अंदर साइड में एक्सल के ऊपर लगते हैं, ये एक्सल के अंदर फिट किए जाते हैं। इनको एक 120 डिग्री टेम्परेचर होता है, इस पर फिट किया जाता है। और इसमें ग्रीस जो है 1 kg और 750 ग्राम का ग्रीस इसमें डाला जाता है लुब्रिकेंट के लिए। इन डिफेक्ट्स को अपन बहुत सारे तरीके होते हैं, प्रोसेस होता है, इनसे अपन आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये थे रोलर बियरिंग के डिफेक्ट्स। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।